शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जिनके अंदर वफा होती है ना और फरमान का पालन करने की लगन होती है, वो इस बात को छीनती जाते कि जब वर्षा मिलता है वो सुख का है। श्रीमत सुख देती है, खुशी देती है। हम बाबा के बच्चे, हमें तो पहले से ही समझ है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बाबा ने तो दी है समझ। श्रीमत मिली विश्व कल्याण के बारे में सोचने की। हमारी लाइफ है अंदर का चिंतन इतना श्रेष्ठ कि अगर कोई सिचुएशन में आपको किसी चीज को करना भी हो तो वायुमंडल पे असर ना पड़े। क्यों अच्छापन भूल जाते हैं, क्यों अपना व्यवहार में शुद्धता भूल जाते हैं, गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अनुमानित बुद्धि अनुमान लगा लेती है, ये भी एक शिक्षा है। एक बात याद रखना, जब तक प्रॉपर सुनते नहीं प्रॉपर करेंगे कैसे? श्रीमत प्रॉपर सुनते ही नहीं, दो चार लाइनें अपनी डालने की एक पुरानी आदत है कि जब हम ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं, उसका अर्थ नहीं समझते तो हम रॉन्ग जरूर करते हैं। हम भी सारे ब्राह्मण जब तक श्रीमत को ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं तो हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो हमसे रॉन्ग जरूर होता है। कहीं कहते मेरे से क्यों गलती होती है, क्योंकि आप ना तो सुनते हो ना समझते हो और ना ही आपकी बुद्धि में उसका अर्थ स्पष्ट है, इसलिए आपसे रोग जरूर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर सारी दुनिया में हम ब्राह्मणों को ही आ जाए तो भी हम बहुत बड़ी बात कहेंगे। ओके, ओम शांति।